नमस्कार, मैं हूं नीरजा और न्यूज फॉर इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप इस चेहरे को गौर से देखिए, क्या पहचाना आपने? चलिए आपको हम बता देते हैं कि ये मोहतरमा कोई और नहीं बल्कि न्यूज वेबसाइट opindia.com की एडिटर इन चीफ हैं, नूपुर जे शर्मा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको ये चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है, तो इतना जान लीजिए कि इस चेहरे के पीछे छिपी है वो नफरती और खुराफाती सोच जो आम लोगों के दिलों में नफरत और सांप्रदायिकता का बीज बोने का काम करता है। नाम है नूपुर जे शर्मा। हाँ, नूपुर शर्मा से याद आया कि बीजेपी की एक प्रवक्ता नूपुर शर्मा पहले भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं, जिन्होंने एक टीवी डिबेट में ऐसा जहरीला बयान दिया था कि उस जहर ने राजस्थान के एक मासूम टेलर कन्हैया को बलि का बकरा बना दिया था। और अब ये नूपुर आई है जो महज अपनी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा हिट्स पाने के लिए बेबुनियाद बातें समाज में फैलाकर नफरत का माहौल गर्म करना चाहती हैं। और जनाब इन साहिबा ने इसके लिए अच्छी खासी मेहनत भी की। अब आपको इनकी कारस्तानी सुनाते हैं। दरअसल मेवात में जो शोभा यात्रा निकाली गई और जिसके दौरान वहां दो संप्रदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी और अब तक वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो इस नूपुर मैडम ने ये खबर अपनी साइट पर चलाई कि इस शोभा यात्रा के दौरान कुछ हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम लोगों ने बलात्कार किया और स्थिति बहुत गंभीर है। अपनी बात को वजन देने के लिए नूपुर जे शर्मा ने बाकायदा कुछ महिलाओं के फटे कपड़े अरेंज किए ताकि वो दिखा सकें कि कितनी दरिंदगी उन हिंदू महिलाओं के साथ हुई है। लेकिन सच जब बाहर आया तो बहुत ही शर्मिंदगी और हैरानी वाला था, क्योंकि दरअसल उस दिन ऐसी कोई वारदात हुई ही नहीं थी। ये बात मैं दावे के साथ कह रही बल्कि ये बात कह रही हैं हरियाणा की एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह, जिन्होंने बाकायदा ये आधिकारिक बयान जारी करके खुद इस बात की पुष्टि की है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आज कल से एक सोशल मीडिया में एक नैरेटिव चल रहा है कि नलहन मंदिर पर जिस दिन ये श्रद्धालु फंसे थे, उसके बाद कल से खबर आने लगी है कि उस घटनाक्रम के दौरान कुछ श्रद्धालु महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह सब बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है, और मैं यह इसलिए अधिकृत रूप से कह पा रही हूं क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैं स्वयं वहां मौजूद थी। इस तरह की कोई भी किसी महिला के साथ घटना नहीं हुई है। जो हुई थी वो मेरा मीडिया के माध्यम से पहले ही मैं आपको बता चुकी कि वहां क्या घटना घटी थी। अतः आप सबसे आग्रह है कि इस तरह की कोई भी अगर आप खबर पढ़ते हैं तो उसको एक अफवाह समझ के बिल्कुल अपना उस पर कोई रिएक्शन ना करें। ये बिल्कुल गलत अनर्गल बातें हैं, ये सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की और जो हम सबके प्रयास है कि नॉर्मल लाइफ आए उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आप तुरंत जो है ऐसी कोई घटना सूचना आपको मिलती है, आप कहीं सोशल मीडिया पढ़ते हैं, तो मेवात पुलिस और हरियाणा पुलिस के संज्ञान में लाए। इस तरह के अफवाह फैलाने के वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद नूपुर ने अपना आर्टिकल opindia.com से हटा दिया। तो ये तो थी मोहतरमा नूपुर की कारस्तानी। जब हमने इस वेबसाइट के बारे में खंगालना शुरू किया तो पता चला कि दिसंबर 2014 में शुरू हुई यह वेबसाइट अक्सर गलत खबरें प्रकाशित करती रही है और वेबसाइट ने कई बार फर्जी खबरें फैलाई हैं, जिनमें से एक 2020 की घटना भी शामिल है जिसमें झूठा दावा किया गया था कि बिहार की एक मस्जिद में एक हिंदू लड़के की कुर्बानी दी गई थी। घटना से रिलेटेड एक खबर opindia में खबर तक में इसमें प्रसारित की गई, कई तरह के मैसेज इस तरह से दिए गए कि उसका मस्जिद से किसी निर्माण से संबंधित है, उस लड़के को वहां ले गया गया, ये सारी बात गलत है, उसके मैंने स्वयं सत्यापन किया है और इस तरह की बातें नहीं आई हैं। और अभी तक के अनुसंधान और जांच पड़ताल में ये बातें बिल्कुल है, जिससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा इस तरह के मैसेज से। इसके संबंध में खबर तक opindia के अगेंस्ट में FIR भी दर्ज की गई है कटिहार थाना के द्वारा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने भी opindia के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद 2021 में मामला रफा दफा कर दिया गया था। अब सवाल ये है कि अब नूपुर के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और कौन करेगा? क्या हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर करेंगे, या मोदी जी करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट करेगा? कौन करेगा कार्रवाई? मैं जानती हूं कि अभी चुनावी मौसम है और थोड़ा लाग लपेट होगा और ये मामला भी कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन फिर सवाल तो वही है कि नफरत के ये दुकानदार कब तक फलते फूलते रहेंगे?
कब इन्हें सबक सिखाया जाएगा? क्या यही जहर फैलाने का काम रह गया है सिर्फ मीडिया का? हम जो न्यूज फॉर इंडिया पर आपको खबर दिखाते हैं उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ दिखाते हैं, जिसकी सत्यता की जांच कर लेने के बाद ही हम कोई खबर लाते हैं। हमारा हमेशा यही प्रयास है कि जो समाज आज नफरत से बिखर रहा है उसे हम संजोने की कोशिश करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। और हाँ, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज बस इतना ही, हमें दें इजाजत, नमस्कार।